तो भाई साहब अभी एक नई वाली थार फंस गई यार। एक्चुअली क्या कि ट्रैक ये था, वैसे सबको लग रहा था कि शायद इस साइड बेटर होगा, बट इस साइड ना क्विक सैंड बहुत ज्यादा थी। जिंदा बच गए भाई, ये ऑफ रोड में वापस नहीं करूंगा। तो भाई यहाँ पे एक नई गेम स्टार्ट हो गई हुई है अभी, पहले आप वाली देखते हो, पहले आप कौन है वो तो भाई फाइनली आ रही है हमारी नई वाली थार भी, देखते हैं भाई कैसी रहती है परफॉर्मेंस। बाबा लेफ्ट कर लो, लेफ्ट करो, लेफ्ट, यस, नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो भाई जिप्सी ने ट्रैक बना दिया, अब कोई भी थार आ सकती है आराम से, कोई इतनी डरने वाली बात नहीं है। पानी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन स्लश नहीं है इतनी ज्यादा, तो फंसेगी नहीं गाड़ी। तो भाई अगला कौन आ रहा है? अरुण भाई आप आ रहे हो लास्ट, चलो आओगे ना, बस हमें पार्टिसिपेशन चाहिए बस। तो भाई आ रही है अभी अगली गाड़ी, तो ये भी आ रही है भाई नई वाली थार ही, बट इसकी खासियत यह है कि भाई इसमें लगे हैं 22 इंच के अलॉयज। भाई पिछले टायर तक पानी आ गया था, पिछले टायर तक। ओए भाई साहब, भाई ये देखो हमारी छोटी सी नदी, तो भाई वाटर क्रॉसिंग जबरदस्ती होगी। अब आ रही है अपनी सिल्वर वाली जिप्सी। बड़े आराम से, थोड़ी दिक्कत हो गई है, बस खींचते रहेंगे तो ले जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, खींचते रहेंगे तो। क्या बात है भैया, आ रही है रैंगलर लुक वाली थार। ओ भाई, अभी तो फिलहाल भाई विंच को अंदर डाला जा रहा है, एक ही गाड़ी रह गई है, अभी इतनी जरूरत लग नहीं हुई अच्छे से। तो अभी जो गाड़ी जाने वाली है, ये जा रही है भाई अपनी हरियाणा वाली अरुण पवार भाई वाली गाड़ी। तो ये मेरे ख्याल से आकाश चला रहा है ना। तो भाई ये पहली बार ऑफ रोड कर रहे हैं इतना ज़्यादा एक्सट्रीम, और जम्मू में तो भाई पहली बार ही कर रहे हैं। तो निकल गई भाई बड़े आराम से, बड़े आराम से। तो भाई अब हम आ गए थार 700 के अंदर, तो भाई अब यहाँ से आपको इनसाइड व्यू दिखाते हैं। भाई साहब रिस्की हो गया मामला इधर। तो भाई ये देखो अभी हमारी सारी गाड़ियां यहाँ पे लगा दी हैं, सबने ये वाली वाटर क्रॉसिंग कर दी है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया था हर गाड़ी को। जैसे ये देखो इस गाड़ी के भी यहाँ तक बोनट तक पानी आ गया था, बट ठीक है कोई गाड़ी फंसी नहीं, एक जिप्सी फंसी थी, उसके बाद सारी गाड़ियाँ निकल गई हैं। तो बस अभी यहाँ से जाएंगे आगे, अभी डिसाइड करेंगे कि भाई आगे जाना है या वापस यहीं से जाएंगे। तो भाई फिलहाल अभी प्रोग्राम ये बना है कि अभी हम जाने वाले हैं वापस इसी ट्रैक से जहाँ से ये फैक्ट्री जा रहा है, स्टंट मार रहे हैं। अभी हमारा रास्ता ना खराब कर दे। तो भाई साहब हमने वापस जाना है इस ट्रैक से, और इस ट्रैक की स्टार्टिंग में ही ट्रैक्टर फंस गया भाई। तो यार बड़ी मुश्किल से गाड़ियां निकाली थी हमने इस वाले ट्रैक से, और जिस रास्ते से हम आए थे इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ट्रैक्टर फंस गया, और ट्रैक्टर नॉर्मल भी नहीं फंसा, आधे आधे टायर आप देख सकते हो, पिछला वाला जो है उसका आधा टायर अंदर चले गया। तो अब यहाँ से निकालना थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अब रिस्क लेना पड़ेगा। पता नहीं है कि यार ये ट्रैक्टर निकलेगा कब, एक दो घंटे भी लग सकते हैं इसको निकलने में, तो हमें तो भाई यहाँ से जाना ही पड़ेगा उससे पहले। ओ भाई साहब,
निकल गए हैं फाइनली, जिंदा बच गए भाई। ये ऑफ रोड में वापस नहीं करूंगा। झूठ है ये। तो भाई गाड़ियाँ निकलते जा रही हैं। सबसे पहले निकली हमारी जिप्सी, जो आपने विजुअल्स देखे, तो ये आ गई भाई अपनी कैंपिंग वाली जिप्सी आ गई। एक और जिप्सी निकल गई है, तो अब देखते हैं इसके बाद कौन आ रहा है। अब कोई थार ही आएगी। तो भाई आ रही है अभी थार हमारी। थोड़ी सी दिक्कत हुई है, निकल गई। मैं पहले बीच में था जब ये गाड़ियाँ जा रही थी ना। ओह, मैंने बोला भी था यार राइट में नहीं जाओ इतनी। नहीं, इतनी राइट में नहीं जाना था यार। मैं बोल भी रहा था उधर मत जाओ। तो भाई साहब अभी एक नई वाली थार फंस गई है यार। एक्चुअली क्या कि ट्रैक ये था, वैसे सबको लग रहा था कि शायद इस साइड बेटर होगा, बट इस साइड ना क्विक सैंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। देख लो एक साइड बिल्कुल टच हो गया, जो उधर वाला इंडिकेटर होता है वो भी बिल्कुल पानी में आ गया। बट कोई नहीं, अभी विंच आउट करेंगे, विंच है हमारे पास, रिकवरी की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई पीछे से आपको नज़र आ रहा है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट की आवाज़ तो आ रही होगी पर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो पानी के अंदर चल गया बिल्कुल। और ना हो जाए, मैं बोल रहा था आपको इस साइड क्विक सैंड है, इस साइड क्विक सैंड है, चले नहीं जा रहा। तो भाई यहाँ पे है क्विक सैंड बहुत ज़्यादा। अभी टोस्ट ट्रैप लगा दिया, टोस्ट ट्रैप को अभी हम लगाएंगे विंच के साथ। तो भाई ये देखो विंच की वायर जो होती है वो 15 मीटर ही होती है, लेकिन अब ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा दूर है तो अब हमने टो स्टैप लगा दिया। बट कोई नहीं, करते हैं इसको, निकालते हैं अभी बाहर। बढ़िया लगे यार, सब कुछ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसीलिए हमने इनका नाम रखा हुआ रिकवरी बॉय। तो भाई अभी विंच से खींचने ही लगे हैं। अभी आ जाओ साइड, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, डालो डालो थोड़ा सारी बस, डालो 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 डालो, छोड़ दो अब। ऑफ रोडिंग करने जाओ कभी भी विंच होनी चाहिए भाई गाड़ी के साथ। अब करो आने दो भाई, रहने दो। क्विक सैंड है, अभी भी क्विक सैंड है यहाँ पे, तो अंदर जा सकती गाड़ी। बस बस रुक जाओ, रेस नहीं दो, उनको खींचने दो। इधर ना क्विक सैंड है, ये धसेगी अंदर। चलो जी, हो चुकी है रिकवरी। जहाँ हम बीच में से आए ना पानी में से, वहाँ इतनी दलदल नहीं है, सिर्फ पानी है। तो गाड़ी निकल गई। ट्रैक्टर वाले ने बीज बो दिया असली तो। ओ भाई, ट्रैक्टर वाले का तो हमें थैंक यू किसी और दिन करेंगे अब। विपता डाल दी हमारे लिए। चलो, हमारे लिए तो हम तो खींच ले जाएंगे। अरे ये लोग फंस जाए तो ये क्या करते होंगे। हाँ, ये बस ऐसे ही आपको दिख रहा है, ये बेलचे लेके लगे हुए हैं यहाँ पे, या फिर किसी और ट्रैक्टर को बुलाएंगे। ये थार जा रही है। हाँ, अब ये जा रही है भाई, रैंगलर की तरह जो दिखती है ये, तो प्योर प्रॉपर रैंगलर दिखती है। हाँ, अभी ये जा रही है रैंगलर भाई, ये ले जाएंगे हम तो भाई, ये तो चली जाएगी। बताओ अरुण भाई, अपना कैसा लगा अभी ऑफ रोड एक्सपीरियंस? मैं सही बताऊं, अब अच्छा सा लगने लगे, अभी मौसम ठंडा हो गया। अभी तक तो पसीना ही नहीं अट रहा था यार। मैं आपको ये कह रहा था जब इस इलाके में आएंगे ना थोड़ा सा मौसम बेटर हो जाएगा, थोड़ा पहाड़ वहाड़ है और पानी है। बस अब निकल गई आराम से। अब यहाँ इन्होंने क्या गलती कर दी, पहले इधर राइट में। हाँ, इधर गाड़ दी। तो भाई गाड़ियाँ सारी निकल गई हैं, लेकिन गाड़ी की जो विंच है वो भी बाहर है। अभी भी तो स्टैप भी विंच में बांध देता हूँ। तो भाई जाने से पहले विंच को अंदर लगा देते हैं यार, क्योंकि अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सब गाड़ियाँ निकल तो जा रही हैं आराम से, अब कोई फंसनी नहीं चाहिए। तो भाई फाइनली सारी गाड़ियां निकल चुकी हैं, अब हम जाने लगे हैं वापस। काफी ऑफ रोड हो गया, थोड़ा सा ट्रैक्टर ने हमारा ऑफ रोड ज्यादा करवा दिया आज का, बट सारी गाड़ियां निकल गई बड़े आराम से। तो भाई ओके, फिर बहुत मजा आया आपसे मिलके, जल्दी मिलते हैं अब आपसे गुड़गांव में। ठीक है, जरूर जरूर, ओके।
तो भाई फिलहाल अभी वापस आ चुके हैं ऑफ रोड से और हमारे साथ है हमारे भाई किंग यंग बक। तो भाई ये भाई हमारे रैपर है जम्मू से, तो आप यार खुद ही बताओ थोड़ा सा क्योंकि मुझे नॉलेज कम है इस चीज की। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज योर बॉय MCKYB aka किंग यंग बक ऑल द वे फ्रॉम JK02 बिचेस। सो मैं डांस करता हूं गाइस, 10 साल हो गए मुझे डांस करते। आई एम डूइंग क्रम। सो अब 5-6 साल से रैप की फील्ड में भी आ चुके हैं और बस अब आज भाई मिले थे। बस अपना इंस्टा और यूट्यूब चैनल बताओ कि भाई क्योंकि किसी को सुनना हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हो किंग यंग बक के नाम से, और यूट्यूब में MCKYB EMCEEKYB। तो भाई अपना बहुत ही बढ़िया लिखता है, तो जरूर एक बार जाके चेकआउट करो और जरूर जाके सब्सक्राइब करो भाई का चैनल। अच्छे से जाएगा नवाजा।